वेलकम टू माय चैनल फन विद वैदिक मैथ्स। आज मैं आपके सामने कंस्ट्रक्शन का चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के नाम से भी है। बहुत सारे वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी equals to 6.2 centimeter. Draw the perpendicular bisector of AB. सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो कि 6.2 सेंटीमीटर की होगी, और उसको हमें दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना है, जो कि बाइसेक्ट करेगी ए बी को, यानी काटेगी वो ए बी को। सबसे पहले मैंने स्केल लिया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये तो आई थिंक सभी बच्चों को आता है, 6.2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ये ले लिया, 6.2 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ लाइन की है। अब हमें करना क्या होता है, हमें कंपास लेना है। कंपास से जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन को सबसे पहले हमें नाम देना है ए बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इसको जो भी हमारी लाइन है, इस लाइन को हमें हाफ से ग्रेटर लेना है, और वहां पर ऊपर भी और नीचे भी हमें यहाँ पर आर्क लगानी है। तो अभी मैं व्हाइट बोर्ड है तो मैं इससे नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं मार्कर से कर रही हूँ। ऐसे ही इस तरफ हमें लगाना होता है, और उसके बाद में हमें इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना होता है। जब आप इसी को कंपास की हेल्प से करेंगे तो आपका बिल्कुल ही एक्यूरेट आएगा, मैंने भी एक्यूरेट ही करने की कोशिश करी है। तो ये जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, दिस इज माई आंसर। फिर दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6.2, हमने ए बी 6.2 सेंटीमीटर, उसके बाद में था ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बाइसेक्टर का मतलब उसको बीचों बीच में से काटना ए बी को, और हमने उसको बीचों बीच में से काटा। कैसे काटा, हमने ए पर कंपास को रखकर इससे हाफ से ज्यादा हमने उसको लिया, आर्क ली, और ऊपर और नीचे हमने मार्क कर दिया, आर्क कर दिया। उसके बाद उसी पॉइंट को रखकर बी पर लिया और हमने इधर उधर कर दिया। जो भी हमारे पॉइंट आते हैं, इन पॉइंट्स को हमें मिला देना होता है। इनका हम नाम भी रख सकते हैं ई एफ, अगर पूछा हो आगे क्वेश्चन में तो हम इसको भी दे सकते हैं, दिस पॉइंट इज ओ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, मींस डी की हेल्प से हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ड्रॉ अ रे बाइसेक्टिंग दिस एंगल, यानी कि उस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है, यानी दो भागों में बराबर बराबर बांट देना है। हम बाइसेक्ट, सबसे पहले मैं आपको प्रोटेक्टर से ही सिखा रही हूँ। 60 डिग्री का एंगल बनाना है, हमने 60 डिग्री का एंगल, दिस इज 60 डिग्री हमने ये बना दिया, ए बी सी, ये आपका एंगल है 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको कंपास लेना है, और यहां पर ये जो आपका एंगल आया है, जितना भी आपका ये खुला हुआ है, उससे हाफ से ज्यादा आपको लेना है, और इधर से भी और इधर से भी उसको आर्क लगा देनी है। वो एक पॉइंट पर आएगा, जिस पॉइंट पर आता है उस पॉइंट से आपको इसे आगे मिला देना है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस तरीके से। तो ये इसका बाइसेक्ट हो गया, और अगर आप इसको डी से चेक करेंगे तो वो 30 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर वो आपका 30 डिग्री नहीं होता है तो दिस इज रॉन्ग आंसर,
ये आप इसको अपने आप टैली भी कर सकते हैं। आप देखिए ये आपका 30 डिग्री एंगल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास कंस्ट्रक्ट द एंगल 120। यानी कि हमें कंपास की हेल्प लेनी है, प्रोटेक्टर की हेल्प नहीं लेनी, कंपास की हेल्प से हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, इसका हमने कुछ भी नाम दे दिया ए बी। अब हमें क्या करना होता है, मैं पहले आपको आपने कितनी भी आर्क ले के इसको खोल के कितना भी और आपने आर्क लगानी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया, जितना वो खुला हुआ है उतना ही आपको खोल के और इसको ऐसे अगर आप लगा दोगे तो ये आपका जो एंगल बनता है ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जितना भी आपका खुला हुआ है अगर उतने से ही आप फर्स्ट टाइम करते हो तो वो 60 डिग्री का बनता है, उतना ही अगर आप यहाँ पर कंपास रखते हो और फिर इधर करते हो तो ये आपका 120 का बनता है, और फिर यहाँ पर रखने के बाद नेक्स्ट करते हो तो ये आपका 180 का बनता है। हम यहाँ देख रहे हैं हमें 120 का एंगल चाहिए, तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे तो दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब मैंने आपको 120 एंगल के साथ आपको 60 का एंगल बताया, 120 का एंगल बताया और 180 का एंगल बताया। अगर आप इसको 60 को और इसको बाइसेक्ट करते हो तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। अगर आप इन दोनों को बाइसेक्ट करते हो या मीन्स आप प्रोटेक्टर को यहाँ रखते हो और आर्क इधर लगाते हो, यहाँ रखते हो आर्क इधर लगाते हो तो वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अगर आप यहाँ पर ऐसे ही, वो एक्चुअल में होता क्या है, ये 60 डिग्री का गैप है, यहाँ पर 60 डिग्री का गैप है, अगर हम इसको वो हाफ करेंगे तो ये 30 डिग्री का बन गया। यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री का ही गैप है तो 120, 60 का हाफ हुआ 30, 120 में यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 60 है, 60 में अगर हम 30 को प्लस कर दे तो हमारा 90 बन जाता है एंगल। इसी तरीके से यहाँ पर 120 है, यहाँ पर आपका 180 है, यहाँ पर भी आपका कितना गैप है, 60 का गैप है। अगर हम इन दोनों का बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 120 प्लस 30 150 एंगल का एंगल बनेगा बाइसेक्ट करने पर। इसी तरीके से आप कोई भी एंगल बना सकते हो, वो 15 डिग्री का भी हो सकता है, 7.5 का भी हो सकता है, 75 का भी हो सकता है। सो मैनी एंगल्स बन सकते हैं कंपास से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।